आकांक्षा केस में बहुत बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है। समर सिंह पर लगे सबसे बड़े आरोप का सबूत सामने आ गया है। जी हाँ, समर सिंह पर आकांक्षा के पैसे हड़पने का सबसे बड़ा सबूत मधु दुबे ले आई हैं, जिसके बाद तो समर सिंह की और संजय सिंह दोनों की लंका लगना तय है। ऐसा खुलासा हो गया है जिससे कि साफ साफ साबित हो चुका है कि किस तरह समर सिंह और संजय सिंह ने मिलकर आकांक्षा के 41 करोड़ रुपए हड़पे। जी हाँ, समर सिंह पर यही सबसे बड़ा आरोप लगता रहा है कि उसने आकांक्षा के पैसे हड़प लिए थे और आकांक्षा के बार बार अपने पैसे मांगने की वजह से ही दोनों ने, समर सिंह और संजय सिंह ने मिलकर साजिश रची और आकांक्षा को खत्म कर दिया। तो आखिर कैसे और कहाँ से आया ये सबूत? कैसे पापी समर सिंह और संजय सिंह ने हड़पे 41 करोड़, और अब इस सबूत से कैसे मुसीबत में पड़ेगा पापी समर सिंह? आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, इस मुहिम का हिस्सा बने। तो आकांक्षा के जाने के बाद से लगातार मधु दुबे समर सिंह पर आरोप लगा रही हैं कि इस पापी ने मेरी बेटी को खत्म करवाया, इस पापी ने मेरी बेटी से काम करवाया मगर उसकी कमाई उसे नहीं दी, उसका पेमेंट उसे नहीं दिया, मेरी बेटी के 41 करोड़ पचा कर बैठा है ये पापी, और अब इसी बात का सबूत आकांक्षा दुबे के मैनेजर ने दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सूत्रों की माने तो आकांक्षा दुबे और समर सिंह के मैनेजर ने उसकी कमाई का खुलासा किया है। आकांक्षा की मां मधु दुबे का दावा है कि बेटी ने सोशल मीडिया से करीब 41 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी। इसके अलावा आकांक्षा के यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनलों की कमाई संजय सिंह के खातों में जमा की गई। खबरों की माने तो सोमवार को आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह और आकांक्षा के मैनेजर से बात की। मैनेजर ने आकांक्षा की मां को बताया है कि अभिनेत्री के यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनल्स को संजय सिंह ने मोनेटाइज कराया था। इन सभी चैनल्स में संजय सिंह ने अपना खाता शामिल कराया था। हर गाने पर मिलने वाले लाखों रुपए संजय सिंह के खाते में जमा होते थे। इतना ही नहीं, मैनेजर ने यहाँ तक कहा कि जरूरत पड़ने पर वो इस कमाई के कागजात भी सबूत के तौर पर दिखा सकता है, जिनसे साफ होता है कि ये सारा पैसा संजय सिंह के खातों में जाता था। अब यहाँ तक तो ठीक था, मगर इसके बाद जो मधु दुबे ने बताया उसे जानकर आप और सन्न रह जाएंगे। जी हाँ, दरअसल मधु दुबे ने कहा कि समर सिंह एंटरप्राइज में आकांक्षा और समर सिंह के गानों ने सोशल मीडिया पर जमकर कमाई की। आकांक्षा के साथ फिल्माए गए गानों से 25 मार्च तक 41 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई हो चुकी थी, जो कि आकांक्षा के जाने के बाद कई गुना और बढ़ चुकी होगी, क्योंकि आकांक्षा के जाने के बाद उसके कई गाने बेहद और ज्यादा पॉपुलर हुए। मधु दुबे ने कहा कि इसके सारे सबूत मैनेजर ने मुझे दे दिए हैं और अब मैं अगली सुनवाई में इन्हें कोर्ट में पेश करूंगी। मेरी बेटी की मौत हर तरह से इन पापियों को फायदा पहुंचा रही है और उस अभागन को इंसाफ तक नहीं मिल पा रहा। मधु दुबे ने आगे बताया कि समर एंटरप्राइज चैनल में आकांक्षा भी बराबर की पार्टनर थी, लेकिन उससे चेकों पर दस्तखत करा लिए गए थे। उस अकाउंट का पासवर्ड संजय सिंह के पास था। दोनों आकांक्षा का इस्तेमाल करते थे और कमाई का रुपया भी नहीं देते थे। आपको बता दें कि मधु दुबे ने खातों का डिटेल जुटाने और खाते सीज कराने की भी मांग की है। अगली सुनवाई में समर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आकांक्षा का पूरा मामला उसके पैसे हड़पने को लेकर ही चलता रहा है, और अगर ये बात कोर्ट में साबित हो जाती है कि वाकई समर सिंह और संजय सिंह ने मिलकर आकांक्षा की कमाई हड़पी, उसे उसके हक का पैसा नहीं दिया, तो फिर तो समर सिंह का बचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इसी बात पर समर सिंह की जमानत को खारिज कर दिया था कि 25 की रात जब आकांक्षा के साथ वो सब हुआ तब समर सिंह की लोकेशन भी बनारस मऊ की पाई गई है, जबकि समर ने कहा था कि वो 25 को गोरखपुर में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, जो कि सरासर झूठ था। तो इस तरह से एक एक कर पापी समर सिंह के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, नए नए पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि आकांक्षा को इंसाफ मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। तो आपका 41 करोड़ पर हुए इस खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आकांक्षा केस में एक बार फिर संदीप सिंह को लेकर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, वही संदीप सिंह जिसके साथ आखिरी बार आकांक्षा को देखा गया था, वही संदीप सिंह जो कैमरे में आते हुए तो नजर आ रहा है मगर जाते हुए नहीं, वही संदीप सिंह जिसके लिए कमरे में 17 मिनट रुकने की बात कही गई है, उसी संदीप सिंह को लेकर एक और बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। इसी संदीप सिंह ने आकांक्षा के कमरे के बाथरूम में किया था कांड। इस नए खुलासे से नए सवाल खड़े हो गए हैं, न सिर्फ संदीप सिंह बल्कि सारनाथ पुलिस और होटल स्टाफ पर भी। तो आखिर कितनी देर कमरे में रुका हुआ था संदीप? क्यों उतनी देर कमरे की लाइट्स रही ऑफ, और क्यों आकांक्षा के वॉशरूम का नल खुला हुआ था? आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें।
चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, इस मुहिम का हिस्सा बने। तो रोज आकांक्षा केस में कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा है, जो सीधे तौर पर बयां कर रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि उस लड़की ने खुद कुछ नहीं किया था, बल्कि उसके साथ जबरदस्ती हुई, उसे जबरदस्ती इस दुनिया से भेज दिया गया। रोज कोई न कोई ऐसा सबूत, ऐसा सच जो पुलिस ने छिपाया, वो सामने आकर कड़ी से कड़ी जोड़ता नजर आ रहा है, जो कि हम सबको तो नजर आ रहा है मगर पुलिस को नहीं। अब इस बीच आकांक्षा के कमरे की लाइट्स और वॉशरूम के खुले नल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और वैसे तो अब तक ऐसे कई सबूत सामने आ चुके हैं जो ये पुख्ता कर रहे हैं कि हो न हो आकांक्षा के साथ उस रात कमरे में जो कुछ हुआ उसमें संदीप सिंह भी शामिल था, वही मौजूद था। जैसे कि संदीप सिंह का आते हुए फुटेज दिखना मगर जाते हुए नहीं, आकांक्षा के कमरे में शराब की बोतल का मिलना जबकि वो शराब आकांक्षा ने नहीं पी थी, जो कि उसकी पीएम रिपोर्ट से कंफर्म हो चुका है। वहीं संदीप सिंह का होटल स्टाफ का झूठ बोलना कि आकांक्षा पार्टी से लौटते वक्त नशे में थी और संदीप सिंह उसे सहारा देते हुए कमरे में ले गया था और 17 मिनट बाद वापस चला गया था, हालांकि ये भी सरासर झूठ है। अब यहाँ तक ये सब तो सबको पता ही है, मगर सूत्रों के हवाले से जो नई और बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों कि जब पुलिस ने संदीप से पूछा था कि उसके जाने के बाद आकांक्षा के कमरे की लाइट्स क्यों ऑफ हो गई थी, तो संदीप सिंह का जवाब था कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं क्योंकि वो 17 मिनट ही वॉशरूम में था और फिर कमरे से निकल गया था। अब ये साफ है कि संदीप सिंह यहाँ झूठ बोल रहा है कि वो कमरे में सिर्फ 17 मिनट था और उस दौरान भी वो वॉशरूम में ही था। क्या ये मानने जैसी बात है दोस्तों? हरगिज नहीं, मगर ताज्जुब है कि पुलिस ने बड़ी आसानी से ये बात मान ली। खैर, यहाँ आपको बता दें कि जब आकांक्षा अपने कमरे में उस हाल में बेड पर बैठे हुए मिली थी तो तब उसके वॉशरूम का नल खुला हुआ था। अब सवाल उठता है कि वो नल क्यों फुल स्पीड में खुला हुआ था? कोई इंसान जो अपने पूरे होशो आवास में है वो तो ऐसा नहीं कर सकता। तो अब सवाल उठता है कि आखिर वो नल क्यों और किसने खोला था? क्या आकांक्षा के साथ वो सब करते वक्त उसकी आवाज बाहर न जाए इसलिए वॉशरूम का नल फुल स्पीड में खुला रखा गया था और काम निपटाने के बाद जल्दबाजी में बिना नल बंद किए ही वो कमरे से निकल गए थे? तो अब इस खुलासे के बाद कहा यही जा रहा है कि ये सारा कांड संदीप सिंह का ही है और इस पूरे कांड में होटल ने भी संदीप सिंह का साथ दिया, क्योंकि होटल स्टाफ की मिली भगत के बिना आकांक्षा के साथ ये सब होना संभव ही नहीं था। वहीं सारनाथ पुलिस पर भी सवाल उठता है कि आखिर संदीप सिंह को मामूली पूछताछ कर कैसे छोड़ दिया गया, जबकि संदीप सिंह यहाँ सबसे बड़ा संदिग्ध नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या होटल के कमरे में आकांक्षा के साथ जो कुछ हुआ वो संदीप सिंह ने किया? क्या संदीप सिंह वाकई कमरे में सिर्फ 17 मिनट ही था या फिर वो और होटल स्टाफ दोनों झूठ बोल रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।